बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच में एक सुंदर गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में तरह तरह की मस्ती होती रहती थी। दिन भर जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते और शाम होते ही एक साथ खेलते कूदते थे। इस जंगल में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम मिनी था। मिनी बहुत चतुर और चालाक थी और अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती थी। वह बहुत तेज दौड़ सकती थी और उसका सबसे पसंदीदा काम था चूहों को पकड़ना। वहीं दूसरी ओर जंगल में बहुत सारे चूहे भी रहते थे। उन चूहों में सबसे ज्यादा चतुर और नटखट चूहा था चीकी। चीकी छोटे आकार का था लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण पूरे जंगल में उसकी खासी इज्जत थी। एक दिन की बात है, मिनी बहुत भूखी थी। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने सोचा कि आज वह किसी चूहे को पकड़कर ही दम लेगी। मिनी ने जंगल में घूमते हुए सोचा, आज मुझे एक मोटा ताजा चूहा मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो ही वहीं दूसरी तरफ चीकी अपने दोस्तों के साथ जंगल में मस्ती कर रहा था। चीकी बहुत तेज तर्रार था और हमेशा सतर्क रहता था क्योंकि उसे मालूम था कि मिनी किसी भी समय उस पर हमला कर सकती है। लेकिन उस दिन चीकी ने सोचा कि वह थोड़ी मस्ती करेगा और अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ हो गया। मिनी ने चूहों के खेलने की आवाज सुनी और धीरे धीरे उनके पास पहुंच गई। उसने देखा कि चीकी और उसके दोस्त बहुत ही मस्ती में खेल रहे हैं। मिनी ने सोचा कि आज तो मुझे चीकी को पकड़ने का अच्छा मौका मिल गया है। उसने धीरे धीरे अपने पंजे बढ़ाए और छिपते हुए चीकी के करीब पहुंच गई। लेकिन चीकी बहुत सतर्क था। जैसे ही उसे मिनी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी, वह तुरंत समझ गया कि खतरा करीब है। उसने अपने दोस्तों से कहा, सभी भागो, मिनी हमारे पास आ रही है। सभी चूहे फटाफट भागने लगे और चीकी ने अपनी तेजी से मिनी को चकमा दे दिया। मिनी चौंक गई। उसने चीकी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन चीकी बहुत चालाकी से पेड़ के नीचे बने एक छोटे से बिल में घुस गया। मिनी बिल के बाहर ही रह गई और सोचने लगी, यह चूहा तो बहुत तेज और चालाक है, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। उस दिन से मिनी और चीकी के बीच एक अजीब सा खेल शुरू हो गया। मिनी हर रोज चीकी को पकड़ने की कोशिश करती लेकिन हर बार चीकी अपनी चालाकी से उसे चकमा दे देता। मिनी इससे बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि वह कई दिनों से चीकी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे हर बार नाकामी ही हाथ लगती थी। एक दिन मिनी ने सोचा, अगर मैं सीधे सीधे चीकी को पकड़ने की कोशिश करती रहूंगी तो यह कभी काम नहीं करेगा, मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, मुझे उसे चालाकी से पकड़ना होगा। मिनी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह चीकी को जाल में फंसाकर पकड़ सकती है, इसलिए उसने जंगल के बीच में एक बड़ा सा जाल बिछाया और उस पर थोड़ी सी रोटी के टुकड़े रख दिए। उसे उम्मीद थी कि जैसे ही चीकी वहां आएगा वह रोटी देखकर जाल में फंस जाएगा। दूसरी तरफ चीकी बहुत बुद्धिमान था। जब वह रोटी के टुकड़ों को देखकर वहां पहुंचा तो उसने जाल को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह मिनी की चाल है। चीकी ने मुस्कुराते हुए सोचा, मिनी तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं फंसा सकती। चीकी ने बहुत ही चालाकी से जाल के पास पड़े रोटी के टुकड़ों को बिना जाल में फंसे उठा लिया और मिनी को फिर से चकमा दे दिया। मिनी पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रही थी और चकित हो गई कि उसकी योजना भी असफल हो गई। अब मिनी ने सोचा कि उसे कुछ और सोचने की जरूरत है। उसने सोचा कि अगर वह खुद को बीमार या कमजोर दिखाएगी तो शायद चीकी उस पर ध्यान नहीं देगा और वह आसानी से उसे पकड़ सकेगी। मिनी ने बीमार होने का नाटक किया और जंगल के एक कोने में जाकर लेट गई। चीकी और उसके दोस्त जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मिनी बहुत ही बीमार लग रही है। एक दोस्त ने कहा, देखो मिनी तो अब बहुत कमजोर हो गई है, अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीकी हमेशा सतर्क रहता था। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी, ध्यान रखना, यह मिनी की कोई चाल भी हो सकती है, हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। चीकी ने दूर से ही मिनी को देखा और समझ गया कि वह सिर्फ नाटक कर रही है। उसने अपने दोस्तों से कहा, चुपचाप यहां से निकल चलो, मिनी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सभी चूहे वहां से चुपचाप निकल गए
और मिनी की एक और योजना असफल हो गई। अब मिनी ने सोचा, यह चीकी तो बहुत ही चालाक है, इसे पकड़ना आसान नहीं है। मिनी और चीकी की यह दौड़ धूप कई दिनों तक चलती रही। मिनी हर बार चीकी को पकड़ने की नई कोशिश करती और चीकी हर बार उसकी चालों से बच निकलता। फिर एक दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। जंगल में एक बड़ी और खतरनाक लोमड़ी आ गई थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक और तेज थी और उसने जंगल के सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया था। अब चूहे और बिल्ली दोनों ही इस नए खतरे से परेशान हो गए थे। मिनी और चीकी दोनों ने सोचा कि अगर इस लोमड़ी को नहीं रोका गया तो वह पूरे जंगल को तबाह कर देगी। अब दोनों के सामने एक नई चुनौती थी, लोमड़ी से जंगल को बचाने की। मिनी और चीकी, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, अब इस नई समस्या का सामना करने के लिए एक साथ आने लगे। चीकी ने मिनी से कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस लोमड़ी से बच सकते हैं। मिनी ने भी सहमति जताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। चीकी ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और लोमड़ी को बेवकूफ बनाने के लिए एक जाल बिछाया। मिनी ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और लोमड़ी को उस जाल की ओर खींचा। लोमड़ी जाल में फंस गई और उसे जंगल छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह मिनी और चीकी ने मिलकर लोमड़ी से पूरे जंगल को बचा लिया। अब जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्वपूर्ण है मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे की मदद करना। मिनी और चीकी ने अपने अपने तरीकों से एक दूसरे को समझा और अंत में एक साथ मिलकर मुश्किल का सामना किया। बच्चों के लिए यह कहानी यह भी सिखाती है कि चालाकी और धैर्य से बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता है, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं।